Hi friends, this is Punya from Assam. Welcome to my channel. उस हाथ को तुम थाम लो, वो मेहरबान कल हो न हो, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। किले के साए पास कोई जो आए, लाख संभालो पागल दिल को। दोस्तों, हम लोग पेटूनिया के फ्लावर प्लांट्स को सीड के थ्रू ग्रो करते हैं, या तो नर्सरी से जाकर हमें जौन से कलर के फ्लावर्स प्लांट पसंद आते हैं, उनके छोटे छोटे पॉट लाकर अपने गार्डन में ऐड करते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरह से हम स्टेम कटिंग लेकर और एक प्लांट से काफ़ी प्लांट्स हम लोग रेडी कर सकते हैं। तो मैंने भी यही किया, मैंने अपने गार्डन के कुछ फ्लावर प्लांट जिनकी कलर मुझे पसंद आए वहाँ से मैंने हेल्दी कटिंग ली है। तो आप लोगों ने हर समय हेल्दी कटिंग लेनी है, और हर समय कटिंग लेते समय ये याद रखना है कि नोट पार्ट से ही आप लोगों ने उस कटिंग को लेनी है। मैंने अपने गार्डन के जौन जौन से मुझे कलर पसंद आ रहे हैं, मैंने उनसे 3 स्टेम कटिंग ली है। दोस्तों, मैं नर्सरी से बहुत ही कम अपने ये पेटूनिया के फ्लावर प्लांट्स को लाती हूँ, ज़्यादातर मैं सीड से ग्रो करती हूँ या तो स्टेम कटिंग के थ्रू। तो आप लोग भी अपने गार्डन के जौन जौन से फ्लावर प्लांट्स आपको पसंद आ रहे हैं वहाँ से हेल्दी कटिंग ले लीजिए, और ढेरों सारे आप लोग फ्री में प्लांट्स रेडी कर सकते हैं। अभी भी टाइम है, अगर आप लोग स्टेम कटिंग के थ्रू अपने न्यू प्लांट्स बनाना चाहते हैं तो अभी भी आप लोग ग्रो कर सकते हैं। तो मैंने भी यही किया है, कुछ हेल्दी कटिंग्स ली हैं, और नीचे से उनकी जितनी भी मुझे लीव्स दिख रही हैं उनको मैं हटा दूँगी, और मैं अपनी कटिंग्स रेडी कर रही हूँ। बहुत ही इजीली इनमें से रूट डेवलप हो जाती है, बहुत ही इजी तरीके से हम इनसे न्यू प्लांट्स रेडी करते हैं। जैसे कि हम लोग दूसरे कटिंग्स को लेते हैं, कोई भी हमारे परमानेंट प्लांट के फ्लावर प्लांट के थ्रू हम लोग न्यू प्लांट्स रेडी करते हैं, ठीक उसी वही प्रोसेस से हम लोग ये पेटूनिया के फ्लावर प्लांट्स भी रेडी कर सकते हैं। और दोस्तों, आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू पूरी अपडेट भी दिखाऊंगी कि किस तरह से मैंने सक्सेसफुली 3 प्लांट्स मैंने रेडी कर लिया है। तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिए और फुल वीडियो को ज़रूर वॉच करिए, तभी आप लोगों को ये प्रोसेस पूरी अच्छी तरह से पता लगेगा कि किस तरह से हम इनको ग्रो करते हैं। तो गार्डन सॉइल मैंने बिल्कुल भी ऐड नहीं किया है, बस मैंने इसमें सैंड लिया है और उसमें मैंने थोड़ा सा फंजीसाइड यूज़ किया है, ताकि हमारी ये जो स्टेम कटिंग है इस ये ख़राब ना हो और थोड़ा सा भी ये स्टेम ना गले। तो फिर मैं इनको मिक्स कर लूँगी, मैंने गार्डन सॉइल 1% भी मिक्स नहीं किया है, बस सैंड एंड ये फंगीसाइड को मैंने यूज़ किया है। तो आप लोग भी इसी तरह से सॉइल मिक्सिंग रेडी कर लीजिए। बहुत ही हल्की सॉइल हमने बनानी है, और क्योंकि इनमें हमने रूट डेवलप करनी है, जितनी ही हम सॉफ्ट इनकी मिक्सिंग रेडी करेंगे
तो जल्दी जल्दी इनमें से रूट भी डेवलप होंगी। तो थोड़ा सा मैं इन स्टेम्स में ये रूटिंग हार्मोन लगा रही हूँ, क्योंकि अभी विंटर स्टार्ट हो गए हैं और हमने एक भी कटिंग इनमें से हमने फेल नहीं करनी है। इसीलिए आप लोग भी रूटिंग हार्मोन लगा सकते हैं, या तो एलोवेरा जेल, या तो आप लोग के पास कोई भी हनी है तो उनकी जेल को इनके स्टैम्प में लगा के और इनमें धीरे से उनको एक या दो नोट पर इन सॉइल मिक्सिंग के नीचे डाल दीजिए। तो आप लोगों ने ये बहुत ही केयरफुली करना है और नोट पार्ट तो ये सॉइल मिक्सिंग के नीचे ज़रूर धंसती हैं, नहीं तो आपके रूट्स नहीं निकलेंगे। तो फिर मैं जिस तरह से ये प्रोसेस को कर रही हूँ तो आप लोग भी यही प्रोसेस को अप्लाई करेंगे तो बहुत जल्दी आप लोगों के हर स्टैम्प्स में रूट निकलेंगी और कोई भी स्टैम्प फेल नहीं होंगी। तो फिर दोस्तों देखिए, मैं बहुत ही हल्के हल्के फिंगर से इनको हल्का सा प्रेस कर रही हूँ। बिल्कुल भी आप लोगों ने हार्डली इनके सॉइल को नहीं दबानी है, क्योंकि अगर हम बहुत ही हार्ड तरीके से इनके सॉइल को प्रेस करेंगे तो रूट उनमें से अच्छे से डेवलप नहीं होंगी। तो फिर अल्टीमेटली मैं इनमें वाटरिंग कर रही हूँ, तो प्रेशर से आप लोगों ने वाटरिंग नहीं करनी है, या तो स्प्रे से करना है या तो हाथों से। तो मैं ये प्रोसेस हर समय जब भी अपनी कटिंग्स ग्रो करती हूँ पिटूनिया के, तो यही प्रोसेस अप्लाई करती हूँ और मेरी कोई भी कटिंग्स फेल नहीं होती और हर समय मैं सक्सेस होती हूँ और मैंने ढेरों सारे इनमें फ्लावर्स भी लिए हैं। तो देखिए दोस्तों, 2 वीक्स के बाद आप लोग को मैं अपडेट दिखा रही हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं हर कटिंग्स में से न्यू इनमें बहुत ही सॉफ्ट लाइट ग्रीन के लीव्स डेवलप हो गई है। तो इसी से आप लोग को पता लग रहा होगा करके कि मेरी ये कटिंग सक्सेस हो गई है। तो देखिए, मैंने 3 न्यू प्लांट्स रेडी कर लिए हैं और इस सीज़न मैं इनमें से ढेरों सारे फ्लावर्स भी लूँगी और आप लोगों को वीडियो में शो भी करूँगी। तो अब मैं इनको न्यू प्लांटर्स दे रही हूँ, नीचे से दबाकर इसको धीरे से मैं निकाल रही हूँ और आप लोगों को ये भी शो करूँगी कि किस तरह से मैंने इनमें से रूट डेवलप की है। बहुत ही सुंदर से हेल्दी प्लांट रेडी हो गया है। तो देखिए, मैं एक एक करके सबको निकाल के आप लोग को दिखा रही हूँ ताकि आप लोग भी देख सके कि इसमें से रूट्स किस तरह से इतनी सुंदर से डेवलप हो गई है। देखिए, तो आप लोग को दिख रहा होगा ना, ये पतली पतली जो रूट्स निकल रही है, देखिए है ना दोस्तों, कितनी सुंदर से ग्रो हो गई है और मेरी न्यू प्लांट्स भी रेडी हो गई है। तो अभी मैं छोटे प्लांटर्स रेडी प्रोवाइड कर रही हूँ क्योंकि अभी मेरे पास बिग प्लांटर्स की बहुत ही ज़्यादा कमी है। तो वही जो आप लोग हर समय अभी न्यू प्लांटर जब भी आप रिपोर्ट करते हैं तो आप लोगों को तो पता ही होगा करके कि किस तरह से हम लोगों ने एक रिच फर्टिलाइज़र डालकर इनके सॉइल मिक्सिंग को रेडी करना है। और बहुत बार मैंने आप लोगों को बताया भी है अपने वीडियो के थ्रू करके कि मैं किस तरह से सॉइल मिक्सिंग रेडी करती हूँ अपने विंटर फ्लावर्स प्लांट के लिए। तो अभी मैं इनको ग्रो कर लेती हूँ। तो देखिए दोस्तों, तो आप लोग भी ज़रूर करिए, अभी भी टाइम है करके कि आप लोग इनको 2 वीक्स में तो इनमें रूट्स बहुत ही अच्छे से डेवलप हो जाती है। मेरे पूरे 2 वीक्स लगे हैं और मैंने न्यू बेबी प्लांट्स रेडी कर लिया है और देखिए मैंने इनको ग्रो भी कर दिया है। तो 1-2 वीक्स के बाद मैं इनको न्यू प्लांटर्स प्रोवाइड कर दूँगी। अभी 2-3 डेज़ के लिए मैं इनको थोड़ा सा शेड लोकेशन प्रोवाइड करूँगी क्योंकि न्यूली मैंने इनको रिपोर्ट किया है और ऊपर से मैं इनको हल्का हल्का स्प्रे भी कर दूंगी। तो यही प्रोसेस आप लोग ज़रूर अप्लाई करिए और फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारे आप लोग प्लांट्स रेडी कर सकते हैं। मैं तो सोच रही हूँ अभी और भी कटिंग्स लगाऊं ताकि मेरा गार्डन बहुत सुंदर सुंदर फूलों से भर जाएगा, है ना दोस्तों, कितना इजी प्रोसेस है। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के थ्रू बताना। अच्छा लगे तो प्लस लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना मेरे इस चैनल को। तो मिलते हैं मेरे न्यू वीडियो में कुछ न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपने और अपने गार्डन का ढेर सारा ख्याल रखिए दोस्तों। कीप गार्डनिंग, हैप्पी गार्डनिंग, बाय बाय।